बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाऊंगी। ये 250 ग्राम इमली है और 250 ग्राम ही आलू बुखारा है, ड्राइड था ये। इसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया। अब हम इसकी गुठलियाँ वगैरह अलग कर लेते हैं। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसके अंदर 1 किलो चीनी डाल देंगे। जब तक हमारी गुठलियाँ जो हैं वो हम अलग करते हैं, तब तक हमारा शीरा भी पक के तैयार हो जाएगा। ये हमने 1 लीटर पानी के अंदर 1 किलो चीनी डाली है, तो अब हम इसका शुगर सिरप बना लेते हैं। ये हमने गुठलियाँ जो हैं अलग कर ली हैं, अब हम इस पल्प को जो है ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ग्राइंड करके इसकी पल्प बना ली है, अब हम इसको शीरे में डाल देंगे। ये हमारा शुगर सिरप जो है ये तकरीबन पक के तैयार हो गया है और अब हम इसके अंदर ये पल्प डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम पकने देंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट भी डालेंगे और अब आपने इसको आधे घंटे के लिए पकने देना है, जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। आप ये जो पल्प है ग्राइंड करने के बाद छान के भी डाल सकते हैं। मैंने बगैर छाने डाली है क्योंकि ये पल्प जिस वक्त आप पानी डाल के इसको जूस बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपके मुँह में आएगी, तो आपको अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये थिक हो रहा है और इसकी झाग थोड़ी रह गई है, ये बिल्कुल झाग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये आपका शरबत तैयार हो जाएगा। लीजिए, हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद बोतल में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार है। ये आपने 2 टेबलस्पून शरबत डालना है और बाकी आपने इसके अंदर पानी डालना है और ये बाकी हमने बॉटल में भर के रख दिया है। इसको आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।